वेलकम बैक टू चैनल आई एम सिमरन सहानी तो कैसे हैं मेरे भाई बहन एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ सिमरन टॉक ओके तो सबसे पहले तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दीजिए कैसे हो आप लोग एंड uh, कैसे चल रही है अब आपकी स्टडीज क्योंकि अभी रिसेंट कुछ डेज में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंथ्यूजियाजम के साथ एक बिल्कुल ही एक सभी स्टूडेंट्स ने प्रोमिस कराए कि भाई अब हमने पिछले महीनों की तरह इस नवंबर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना और अच्छे से इस नवंबर में पढ़ाई करनी है एंड मैंने सीरियसली खुद भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस कमेंट सेक्शन में बताया है हर वीडियोस के कि दीदी दी हम नवंबर में अच्छे से पढ़ेंगे और दिसंबर वन को अपनी प्रोग्रेस ना खुद से चेक करेंगे ठीक है तो अब बार का डिसीजन मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब बार तुम पढ़ाई करने वाले हो तो अगर कर रहे हो पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी है तो बेस्ट ऑफ लक और अगर अभी तक नहीं करी थी तो गाइज देख किस कर रहे हो वेट किसका कर रहे हो आई मीन टू से जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया

नहीं बना पाई आई एम सॉरी कल डेफिनेटली मैं आपकी वो वीडियो जो है अपलोड कर दूंगी थोड़ी सी मेरी आवाज से भी आपको लग रहा होगा थोड़ी डिफरेंट लग रही है तो आज मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी कल आपको गाइस आपकी स्ट्रेटी वीडियो मिल जाएगी और साथ ही के साथ में मैंने क्लास ट्वेल्व की इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया तो जो क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स थे जो अभी ये जो हमारे आगे वाले चैप्टर्स हैं हमारी बुक के जो पिछले सालों में डिलीटेड थे उनका वेट कर रहे थे तो यू कैन गो इन चेकआउट माई चैनल पोएट्स एंड पैक के गोइंग प्लेसेस इंटरव्यू रोड साइड स्टैंड सभी पोएम्स को हर एक चैप्टर को गाइज जो पहले नहीं थे वो मैंने डिजिटल बोर्ड पे क्रिएट कर दिए हैं सो यू कैन गो एंड स्टडी तो ट्वेल्थ स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रेटेजी कल जाएगी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने आज क्यों नहीं अपलोड करी बट सॉरी गाइज कल डेफिनेटली मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी और आज हाँ मैंने आज कौन सी वीडियो अपलोड करी थी आप तो लोगों के लिए कि कैसे आई नो दैट गाइज आजकल ना वेदर चेंज हो रहा है ठीक है विंटर आने वाली है तो इन दिनों ना हमें बहुत स्लीपी स्लीपी फील होता रहता है मुझे तो वैसे ही कोल्ड हो गया तो आई वॉज वेरी टायर्ड टूडे और कई बार ऐसा हो जाता है कभी मौसम बदलता है वी आर नॉट वेल और वैसे भी हमारे को ना थकान रहती है और कई बार ऐसा स्लीपी फील हो रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने आज वीडियो बनाई थी कि कैसे अगर आपको पढ़ते समय बार बार ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड तो आप वो सब कैसे जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करके उस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि लगभग गई पाँच घंटे तो मुश्किल से हमें सेल्फ स्टडी के मिलते हैं कई बच्चों को तो उससे भी कम मिलते हैं बिकॉज ऑफ़ स्कूल रेगुलर एंड देन वी हैव टू गो टू कोचिंग ऑलचों उसके बाद जो ये तीन चार पाँच घंटे मुश्किल से सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं अगर उसमें भी नींद आती रहेगी उसमें भी लेजी होंगी तो फ़ायदा नहीं है ना तो उसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई थी इफ यू हैवन सीन द वीडियो किन गो एंड वॉच तो मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि अभी कुछ दिनों में गए हम लोग अपना टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे लास्ट थ्री मंथ्स का ऐसा टाइम टेबल कि भैया उससे हमारे तीनों सब्जेक्ट्स एटलीस्ट तीन से दो सब्जेक्ट तो बहुत रेगुलर बेसिस पे अच्छे से हम अपने लेवलअप कर पाए सिलेबस का सब्जेक्ट्स लेवल अब कैसे होंगे जब आप पढ़ाई करोगे अच्छे से तो उस पढ़ाई के लिए आपका सेल्फ स्टडी टाइम टेबल मुझे अपलोड करना है नाइटॉल्स एंड अर्ली राइजेस दोनों के लिए ही तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे पूछनी है आज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अभी अपना स्कूल टाइमिंग बता दीजिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट का स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया हो क्योंकि जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है मैंने देखा है मेरे तो काफी सारे कोचिंग के स्टूडेंट्स ने बताया था कि उनका स्कूल टाइम चेंज हुआ है और मैंने अपने मेरे एरिया में देखा था कि काफ़ी बच्चों के सुबह स्कूल से जो वो लेने आते हैं ना वैन आती है लेने लेट आ रही थी तो आप लोग मुझे बता दो कि अगर आपका स्कूल टाइम चेंज हुआ है तो हमारे लिए अच्छी बात है नाइटॉल ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं रात को अर्ली बर्ड्स को भी और टाइम मिल सकता है पढ़ने के लिए तो एक बार प्लीज़ मुझे अपना स्कूल का टाइमिंग क्लियर कर दो और अगर अभी चेंज नहीं हुआ है तो कोई नहीं गाइस थोड़ा और लगभग दस पंद्रह दिनों में या बीस दिनों में आपका टाइम चेंज हो जाएगा तब आप वो टाइम टेबल फॉलो कर लेना ठीक है तो एक बार मुझे प्लीज़ अपने स्कूल के टाइमिंग जो सुबह स्कूल जाने का टाइम है और छुट्टी का टाइम जो है वो भी बता दीजिए और एक नॉर्मल सा आपका कोचिंग किस टाइम से किस टाइम की होती है वो भी बता दीजिए सो दैट हम एक ऐसे स्टडी टाइम टेबल अपने लिए क्रिएट करें कि एटलीस्ट चार घंटे की सेल्फ स्टडी तो हमें मिल जाए मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट चार घंटे क्यों क्योंकि हम दो घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे एक घंटे मैथ्स रखी है टेंथ स्टूडेंट्स ने और बाकी के हम टाइम पर अपना वन आर अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट की कभी इंग्लिश कभी एस पढ़ी कभी पिछला सब्जेक्ट रिवाइज़ करो उसके रखेंगे तो इस हिसाब का एक टाइम टेबल मुझे क्रिएट For that, I want to know your स्कूल टाइमिंग्स ठीक है तो ये सब बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बहुत दिनों बाद में सेवन टॉक का सेशन क्रिएट कर रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं मेरे माइंड में अभी जो आ रहे हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप लोग का कैसी मतलब कि चल रही है ना पढ़ाई शुरू कर दी है ना अभी भी अगर कोई दिक्कत है ना माइंड में अभी भी कुछ बात आती है अगर वैसे तो बहुत सारी मैंने कोशिश करी है उन वीडियोज़ में मैं क्लियर करूँ कि डरना नहीं है मत सोचो नहीं आएंगे ये भी मत सोचना बहुत टाइम पड़ा है बस पढ़ना शुरू कर दो डेली बेसिस पर ना कल की सोचो ना परसों की सोचो ना जो हुआ एक दिन पहले उसकी सोचो आज में जीना शुरू करो और आज जितना हो सके दिन पे उतनी पढ़ाई करो ये मत सोचना कल कर लूँगा और ये भी मत सोचना कल तो फॉलो नहीं हुआ था ये टाइम टेबल कल तो फॉलो नहीं हुई थी स्ट्रेटेजी आज भी नहीं होगी बस आज में जीना शुरू करो और आज के गोल आज ही बना के आज ही कम्प्लीट करने स्टार्ट कर दो आई एम टेलिंग यू सिलेबस अपने आप कंप्लीट होने लग जाएगा अब मुझे नाइन्थ और इलेवंथ वाले भाई बहनों से भी बात करनी है बिकॉज देवर सिंह दैट दीदी आप हमारे लिए वीडियोज़ अपलोड नहीं करो तो आई एम दो वाई सॉरी गाइज नाइन्थ एंड इलेवंथ स्टूडेंट्स आप लोगों की वीडियोज़ मुझे बहुत सारी क्रिएट्स करनी है और आप लोगों के एग्जाम भी फेबररी से ही स्टार्ट हो रहे हैं एंड दैट तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को व्हाट वीडियोस यू वांट मी टू मेक आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश फिर से पढ़ाऊँ आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ एस एस टी पढ़ाऊँ नाइन स्टूडेंट्स एलवेंथ स्टूडेंट हिस्ट्री आई नो हैव टू कम्प्लीट तो एक बार मुझे अच्छे से आप सजेशन दो बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में वॉट वीडियोज़ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट इफ यू वॉन्ट मी टू क्रिएटर टाइम टेबल वीडियो अगर आपको भी लास्ट थ्री मंथ स्ट्रैटजी चाहिए नाइन्थ इलेवन स्टूडेंट्स तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो इफ यू वॉन्ट योर सेपरेट चैलेंजेस तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो सो दैट आई विल स्टार्ट मेकिंग दोज वीडियोज ठीक है तो प्लीज नाइन्थ इलेवन स्टूडेंट्स आज मैं आप सभी के कॉमेंट्स पढ़ने वाली हूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना और uh, कल हम ट्वेल्थ का सब्जेक्ट वाइज प्लान देखेंगे और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की गाइस एम सीरीज़ शुरू कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एम से शुरू करा है क्योंकि सैम्पल पेपर में हमने देखा है कई सारे एम सी क्यू क्वेश्चन हैं एम सी यू बाद शॉर्ट करेंगे लॉन्ग करेंगे और सभी चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे तो आप लोग भी अपना एक पूरा पेपर पे प्लानिंग कर लो कि रोज़ रोज़ लिखा करो कि ये चैप्टर दो से तीन तो कंप्लीट करने ही है और रोज़ के बाय रोज़ रोज रोज पढ़ना शुरू कर दो ठीक है अब मिलूंगी गाइज़ मैं आपसे सैटरडे स्टडी नाइट को ठीक है और क्योंकि उस दिन हमने बहुत सारी पढ़ाई करनी है वैसे भी लास्ट थ्री मंथ्स की स्ट्रैटेजी कब आपको ही फॉलो हो पाएगी कब आप जो है लास्ट थ्री मंथ्स के लिए जो सोचा है उसे अचीव कर पाओगे जब डेली बेसिस पर टारगेट अचीव करोगे तो अब हम मिलेंगे सैटरडे को जहाँ हम अपने सैटरडे स्टडी नाइट में जो है बहुत बढ़िया तरीके से अपने चैप्टर्स डिसाइड करके पढ़ने वाले हैं शायद इस सैटरडे को मैं आप लोगों का टेस्ट भी क्रिएट करूँ टेंथ स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश का चैलेंज चल रहा है तो उसके लिए सैटरडे स्टडी नाइट के लिए काज रेडी हो जाओ जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े थे ना ठीक है तो वो मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में टैग कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये अगर अभी तक जिसने थ्री मंथ्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझा जो अभी तक पढ़ना नहीं शुरू करा है जल्दी से जाके वो वीडियो को देखो भाई इस मंडे तक ना हमें बिल्कुल ही जोश से स्टार्ट हो जाना है अपनी पढ़ाई के लिए नो मोर वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली स्टडी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ऐसी जर्नी को ना बिल्कुल हैप्पी बनाना है हमें अपनी ये हमें सारा सिलेबस आता हो कॉन्फिडेंस से बोर्ड एग्जाम देने जाना है डर के नहीं जाना है ठीक है तो और अगर कोई बात है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो एनीथिंग अगर आपको किसी वजह से टेंशन हो रही है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज़ की वजह से आपको पता है बट यू आर नॉट एबल टू गिव इट अप ठीक है तब भी नहीं हो पा रहा तो बताओ कमेंट सेक्शन में हम मिलकर हर एक प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं ठीक है थीके? तो ना एम गोइंग बवा देते के बेस्ट ऑफला कल मैं आप लोगों की वीडियो, वीडियो अपलोड कर दूंगी बिकॉज आज वीडियो अपलोड कर दूंगी सुबह से तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी अब मुझे अच्छा लग रहा था बिकॉज सुबह मुझे कोल्ड था अना आयो फीलिंग बेटर तो मैंने सोचा एक बार सिमरन टॉक सेशन अपलोड कर देती हूँ और बाकी आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर गाइड्स अभी टाइम टेबल डिस्कस करेंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई जो है ओके तो ये सब बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बबाई एंड बेस्ट ऑफ लक एंड क्लास नाइन्थ एंड एलेवन स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना वट एवर आइव आस्ट यू और आप लोगों के लिए प्ले मैंने टैक कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट्स की गो एंड स्टडी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई एंड बेस्ट ऑफ लक हाँ एक और बात मुझे कहनी थी आप लोगों को गाइज प्लीज अपना स्टडी जी ज़रूर क्रिएट कर लेना क्योंकि स्टडी जी पी एस से आपको आपके हफेली के चैप्टर्स का भी आप देख पाओगे और आप आगे आने वाले चैप्टर्स पर भी पूरा ध्यान दे पाओगे तो अगर पुराना स्टडी जी आपके पास है तो ठीक है अगर नहीं है तो प्लीज क्रिएट योर स्टडी जीपीएस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी जीपीएस की भी वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया आप उसी वीडियो से देख के अपना स्टडी जीपीएस क्रिएट कर लीजिए बिकॉज राइट नाउ टू कंप्लीट आर सिलेबस हैविंग अ गुड ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ठीक है तो आप स्टडी जीपीएस की वीडियो देख लो अगर नहीं देखी थी तो और स्टडी जीपीएस क्रिएट कर लो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे आने वाली तैयारी तो भी बहुत अच्छे से करेंगे तो वह बैठी बेस्ट अफल्स मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में